मौके पर लड़कियां बाजारों में घूमती रहती हैं, जिसके पहनने के बाद अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ईद मुबारक हो आप सभी को। और हम जा रहे हैं ईदगाह, सहारनपुर की ईदगाह हम जा रहे हैं ईदगाह की नमाज अदा करने। और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर सिर्फ। और अभी हम कुछ दूरी पर हैं और अभी इधर जो बन रहा था रोड, आप देख सकते हैं। और इधर जो है ये मांगने वाले साइड बैठे हैं सारे भी जो मांगते हैं, और इस साइड भी आप देख सकते हैं। और हमने जो है रमज़ान के व्लॉग डाले, तो अगर आप अपने फोन नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, और आप जो है प्ले लिस्ट में जो है जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। और आवाज़ें आपको जो है सुनाई दे रही होंगी ईदगाह की, और देखते हैं। और पहले क्या होता था, जो ये सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है ईद की नमाज होती थी सड़कों पर। और अब अल्लाह की जो है सरकार की तरफ से पाबंदी है कि ईद की नमाज जो है सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी, केवल केवल ईदगाह में ही अदा कर पाएंगे आप नमाज। तो मेला टाइप मत लगता है, ठेले वगैरह जो है खिलौने वगैरह जो बिकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो है स्टॉल लगते हैं छोटे छोटे खिलौनों के। और इधर जो है छोले कुलचे बिक रहे हैं, उधर बिक रहे हैं हकीम चावल। और इधर से आप देख सकते हैं इधर से आ रही है पब्लिक, और इस साइड जो है सामने है ईदगाह। और इधर से जो है मेले का जो चंदा वगैरह होता है यहाँ पर लिखा भी मिलता है, वो देख सकते हैं आप। और उधर लगे हैं गन्ने की चरखी, और आप जो है गन्ने का जो है यहाँ से इस साइड आप देख, दोनों साइड आप देखते हैं। और पुलिस सिक्योरिटी जो है यहाँ पर जो है पूरी तैनात है चारों तरफों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है सहारनपुर की ईदगाह, और सहारनपुर की ईदगाह में जो है आपका स्वागत है। और देख सकते हैं आप ये सहारनपुर की ईदगाह, और यहाँ से अभी इन्होंने पॉपुलर अभी नया लगाया है, अभी छोटा छोटा पॉपुलर छोड़ा है। और आवाज़ें आप सुनाई दे रही होंगी आपको, जो है जो नाक पड़ रहे हैं किरात पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। और आप यहां देख सकते हैं दो इस साइड भी है ना, आपको जो है खिलौने वलौने की जो है ना शॉप मिल जाएंगी इस साइड, आप देख सकते हैं। और दोनों काफ़ी तादाद में यहां पर पब्लिक आती है, और मिलिट्री की सुविधा भी यहां है, यहां पर जो है मतलब मिलिट्री भी तैनात है। और आप इस साइड देख सकते हैं सारा, और सामने से ईदगाह का कुछ व्यू। और सैड भी है थोड़ा, आप देखें, आप अच्छे से देखें, मतलब जो है ईदगाह मतलब जो है अब क्या होता है कि घर बैठे जो है ना आप जो है ईद की नमाज अदा कर देख सकते हैं। जो लोग नहीं जा सकते वो इधर जाए, यहाँ पर जो है पानी के कूलर रखे हैं जो कि जो है यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं, फ्री सेवा है यहाँ पर इससे। और मिलिट्री यहाँ पर तैनात है, मिलिट्री के जवान यहाँ पर। और ये अभी हम जो है ना ये ईदगाह के जो है ना कुछ जो है ये पाँच या छः द्वारे, हाँ तीन गेट हैं ईदगाह के, एक दो उसके बगल में है तीन। बाकी इतना घूमने के बाद में जो है जगह मिल चुकी है हमें, और काफ़ी ज़्यादा पीछे है अभी गए वो सामने आते हैं वो है ईदगाह। और आकर के देखो जो काजी साहब बयान कर रहे हैं, और हम ये आप देख सकते हैं खुशी का इजहार करते करते ये जून का क्या बन दिखा रहा हूँ आपको, जो है ऐसे बहुत से नाजायज काम करने लगे हैं काजी का मेंबर, और इसके नीचे की ओर जो है होती है हम सबको चाहिए कि ईद के दिन खुसूसन रुख्सत सलून की महफिलों से दूर रहे, नाच गानों और फिल्मी ड्रामे खुली आई से इलाज करें। मौके पर लड़कियां बाजारों में घूमती रहती हैं, जिसके पहनने के बाद उनके बदन का हर हुस्न नजर आता है जो शरीयत में मना है, इसलिए ऐसे लिबास से बचाना मना करना वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। याद रखिए जहाँ अल्लाह वफ़ार है तो वही काफी है, अभी ऐसा ना हो आ चुके हैं आपके लिए, इसलिए अपने ऊपर ध्यान करें। इसी में हम सबकी भलाई और कामयाबी है। तो गाइस अभी जो है शहर काजी साहब आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और
और मैं आप जैसे शेर काजी साहब की जो आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं अलग से माइक लगा ले देता हूँ। وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب والله تعالى في القرآن الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين محترم ساتھیوں तो गाइस नमाज अदा हो चुकी है, तो गाइस नमाज खड़ी हो चुकी है। और ईद की नमाज का तरीका बता रहे हैं, तेरा के बाद तीन मर्तबा हाथ उठाएंगे, सब चीज लगा भाई कहां पे जा रहे हैं, छोटी रखते तो बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाएंगे। तो गाइस आखिरकार जो है नमाज हमने अदा कर चुके हैं ईद की, और अभी मैं जा रहा हूँ काजी साहब के पास, और हो सकता है शायद मुलाकात हो जाए, और अभी चलते हैं शेर काजी साहब के पास, अगर मुलाकात होगी तो ठीक, नहीं तो जो है या थंबनेल पे जो है लगाने के लिए एक फ़ोटो जो है आज की शायद मिल जाए। और चलते हैं अभी शेर काजी साहब के पास, और इस साइड आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी तादाद में है, और अभी जाने की कोशिश करता हूँ शेर काजी साहब के पास, चलते हैं और देखते हैं और गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं मेंबर के पास, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं मेंबर के पास, अभी शहर काजी जो है बैठे हैं सामने, आराम से धक्के मत दो भाई, और आखिरकार जो हमने जय शहर काजी साहब से जो है मुसाफा कर लिया है, और अब चलते हैं यहाँ से बाहर, और कुछ आपको यहाँ से जो है बाहर का जो है व्यू दिखाता हूँ, और आप जो है यहाँ से जो है जितने भी हैं अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितनी छीट पे छीट हो गई है, और यह है मेन ईदगाह का एरिया, और अभी आ चुका हूँ मैं जो है बिल्कुल ठीक ईदगाह के बाहर, आप देख सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो जो है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बस गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।